प्रदेश में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग न केवल किसानों के बीच पहुंच उन्हें फसल अवशेष न जलाने की अपील कर रहा है, वहीं सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी किसानों को जागरूक कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी काफी किसान फसल अवशेष में आग लगा रहे हैं। ऐसे में विभाग अब ऐसे किसानों पर सख्ती बरते हुए मामला दर्ज करवाने के साथ ही जुर्माना भी लगा रहा है। खंड कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को बताया जा रहा है कि वे कैसे अपने फसल के अवशेषों का प्रबंधन कर न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, बल्कि सरकार भी फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें दे रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जो किसान फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ न केवल मामला दर्ज करवाया जा रहा है, वहीं सरकार के आदेशानुसार ऐसे किसान कृषि क्षेत्र में सरकार से मिलने वाले अनुदानों व सब्सिडी के लाभ के पात्र भी नहीं होंगे। डेली हमारे विभाग की टीम हर गांव में जाके किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक कर रही है। फसल अवशेष प्रबंधन दो तरीके से किसान कर सकते हैं, एक्सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जैसे आप बंडल बना के स्ट्रा बेलर से फसल अवशेष को खेत से बाहर निकाल देते हैं, और इसी तरह इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में क्या है, हम मल्चर चोपर से उस मल्चर चोपर लगा के उसके बाद एमबी प्लो से फसल अवशेष को जमीन में मिला देते हैं। इसी तरह एक सुपर सीटर मशीन है, सुपर सीटर मशीन से आप खड़े फानों में धान के आप गेहूँ की बिजाई कर सकते हो, और जिस किसान ने आलू की फसल लगानी है वो मल्चर लगा के एमबी प्लो से उसको फसल अवशेष को दबा के उसमें आलू की फसल लगा सकता है। इसी तरह यदि आप फसल की कटाई के तुरंत बाद उसमें रोटावेटर से या सुपर सीटर से उसके उसको प्लो करते हो तो भी फसल अवशेष इजीली प्रबंध हो जाते हैं। और सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को दोनों ही तरीकों से एक्सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में के लिए भी और इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए भी 1,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान किसानों को देगी, जो कि मेरी फसल मेरे वेयर पोर्टल से लिंक है। जिस भी किसान का जितना भी चाहे उसका 50 एकड़ है, यदि वो 50 एकड़ का भी फसल अवशेष प्रबंध करेगा तो सरकार उसको अनुदान देगी। उसके लिए फार्मर को agriharyana.gov पे अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, और एक्सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यदि वो करता है तो बिल्डर वाले से उसको बिल लेना पड़ेगा। यदि इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट करता है उस केस में किसानों को फसल अवशेषों को जमीन में मिलाते हुए नोट कैम से लोकेशन के साथ फोटो लेनी है और वो हमें बाद में फॉर्म के साथ जमा करानी है। सर यदि कोई किसान, जैसे हमारे पास हर सैटेलाइट से लोकेशन आ जाती हैं, हमने AFL जो हमारे पास प्राप्त हुई थी 2 किसानों के खिलाफ, एक सतगोली गांव में और एक गिलोर गांव में, वो FIR भी करवाई है। उसके अलावा हमने 7 किसानों के अगेंस्ट जो हमारे विभाग की टीम जैसे प्रतिदिन गांव में दौरा करती है, यदि कोई मौके पे किसान पराली जलाता हुआ मिलता है तो हमने 7 किसानों के खिलाफ उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई हुई है। सर अभी जैसे सरकार ने अभी दो दिन पहले किया है कि यदि किसान दोषी पाया जाता है अवशेष जलाने का तो उनके जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें रेड एंट्री की जाएगी और वो आगे 2 साल तक MSP पे अपनी फसल नहीं बेच सकता। दूसरा जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो भी हमारा बीज पे अनुदान आता है, जो भी हमारे सरकार जैसे 1,000 रुपये पर एकड़ का अनुदान है, तो जो हमारे विभाग की जो भी सब्सिडी है, जो भी जो अनुदान है, तो वो भी उसका पात्र नहीं रहता। आपको बता दें कि रादौर क्षेत्र में अब तक फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 9 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं ऐसे किसानों से 15,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।